ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम तो कृपया आप समझो मोले अपना रे मोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपना योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्त को हम अपना योगा। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताय। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाय। ॐ ह्रीं नमो आयर्याय। ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाय। ॐ ह्रीं नमो लोभे सर्वसाहूढं। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। परमाराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं। वंदे गुरु वंदे सचम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है चंद्र नमस्कार क्यों और कैसे। चंद्र नमस्कार क्या है इसके बारे में हम बीच बीच में सेशन लेते रहते हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन चंद्र नमस्कार के बारे में इतनी जानकारी हमें नहीं है। सूर्य नमस्कार में आगे फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग के प्रयोग ज्यादा किए जाते हैं, और चंद्र नमस्कार जो है साइड बेंडिंग का प्रयोग है। तो जब तक हम इन दोनों को नहीं मिलाएंगे हमारा पैकेज पूरा नहीं हो सकता। केवल सूर्य नमस्कार अगर करते हैं हम फॉरवर्ड बेंडिंग बैक बेंडिंग करते हैं, लेकिन साइड बेंडिंग कैसे करें इसके स्टेप के बारे में सही जानकारी नहीं हो तो हमारा ज्ञान अधूरा होता है। तो इसीलिए आज हमने ये विषय रखा है, और आज हमारे साथ दिल्ली से जानी मानी प्रशिक्षिका अभिलाषा जी डागा
हमारे साथ जुड़ी है। अभिलाषा जी से हम अच्छी तरह परिचित हैं, काफी सेशन इन्होंने पहले भी लिए हैं और सूर्य नमस्कार के ऊपर तो आपने दो बहुत ही शानदार सेशन लिए थे। आपको याद होगा सूर्य नमस्कार के एक एक स्टेप, हम कहाँ गलतियां करते हैं हमें बताते हुए बहुत शानदार तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया था। तो आज चंद्र नमस्कार के बारे में हमें बताने वाली है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप दोनों हाथ ऊपर करते हुए अभिलाषा जी का स्वागत करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। और हो सके तो आप वीडियो कंटिन्यू ऑन रखें ताकि आप चंद्र नमस्कार के स्टेप बराबर कर रही हो या नहीं कर रहे हो तो ये हमें दिखाई दे, और आप कहीं अगर गलती हो रही है तो उसे सुधारा जा सकते हैं। तो अपने वीडियो जरूर ऑन रखने का प्रयास करेंगे। तो अभिलाषा जी आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेंद्र। सबसे रिक्वेस्ट है पहले तो वीडियो ऑन कर ले, जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि योगा का सेशन बिना वीडियो के तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अपने अपने मैट्स पे आ जाए, क्योंकि बिना मैट के भी नहीं हो सकती प्रैक्टिस, और योगा देखने से नहीं होगा, करने से होगा। देखने से नहीं होगा, करने से ही होगा। बिल्कुल सही फरमा रहे आप। कैसे हैं आप सब? बहुत सारे स्माइलिंग फेसेस नजर आ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। आप लोग कैसे हैं? ओम ठीक है, अरहम। तो हमने बात अभी तक की थी सूर्य नमस्कार की। सूर्य नमस्कार तो आप लोग बता सकते हैं, कोई भी हाथ खड़ा करके एक बारी बता सकते हैं मेरे को कि हम सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं, सूर्य नमस्कार का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ। चैट बॉक्स में कर सकते हैं, नहीं तो आप अनम्यूट करके कर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंचन जी ने एंड्राइज किया हुआ है। कंचन जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र। जय बस जिनेंद्र। इस कर तो मैं नहीं सकती, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके करने से सारी की सारी एक्सरसाइज का फल मिलता एक्सरसाइज आंटी कोई भी कीजिए, सबका फल मिलता है, करने से मिलता है बस। मधु जी ने एंड्राइज किया हुआ है। मधु जी, मधु जी बताए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऊर्जा के लिए, हमारे अंदर जो प्राण शक्ति है उसके विकास के लिए, फिटनेस के लिए तो कोई कसर है, पर इनर के लिए वो हमारी जो वाइटल फोर्स है उसको ग्रहण करने के लिए सूर्य नमस्कार। करेक्ट। तो सूर्य नमस्कार हमारी ऊर्जा के लिए, वाइटल फोर्स के लिए, हमारी एक्टिव साइड को बढ़ाने के लिए। बेसिकली सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो हमारी पिंगला नाड़ी टेकन केयर होती है। पर लेकिन चंद्र नमस्कार क्यों करेंगे हम? जब हमने एक्टिव साइड बढ़ा ली, हम बात करते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हमें अपनी लाइफ में एक्टिविटी बढ़ानी है, एक्टिव साइड बढ़ानी है। पर ये बात होती है जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, लेकिन योगा के टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो हमें एक्टिव साइड के साथ साथ माइंडफुलनेस भी बढ़ाना है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, हमारी कामनेस भी बढ़ानी है। हम योगा में क्या बोलते हैं, स्थिर सुखम आसनम। आसना इज वन जहां पे हम स्थिर भी हैं और कंफर्टेबल भी हैं। तो कामनेस भी है, एक्टिविटी भी है, दोनों का जब मिलन होता है तभी पूरा का पूरा योगिक फॉर्म में कोई प्रैक्टिस होती है। जिम की तरह नहीं है सिर्फ एक्टिविटी की, ब्रेथ रेट हाई किया, हार्ट रेट हाई किया, ये जिम की प्रैक्टिस नहीं है। इसीलिए योगा में दोनों चीज दी गई है, सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार जब हमारी ऊर्जा बढ़ाएगी तो दूसरी तरफ हमें अपने माइंड की कामनेस, हमें अपनी पीसफुलनेस, हमें अपनी क्रिएटिविटी, ये सब चीजें भी इंक्रीज करनी है। सूर्य अगर मैस्कुलिन साइड है, एक्टिव साइड को मैस्कुलिन साइड बोलते हैं, तो चंद्र हमारा फेमिनिन साइड है। हर इंसान के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों साइड होता है, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो। आप सब एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? हमारे जी अंदर जी फेमिनाइन साइड भी होती है और मैस्कुलिन साइड भी होती है। जी
अगर हम एक फीमेल की बात करें तो वो एक एक्टिव एक्टिविटीज भी करती है, भाग दौड़ भी करती है घर की, और साथ साथ में फेमिनिन मतलब इमोशनल कनेक्ट, क्रिएटिविटी कनेक्ट, वो सारी चीजें भी कर रही है। वैसे ही मेल के केस में अगर उनकी मैस्कुलिन साइड ज्यादा है, भाग दौड़ की साइड ज्यादा है कि वो काम कर रहे हैं पूरा दिन, अर्निंग कैपेसिटी है उनकी, तो दूसरी तरफ उनका इमोशनल कनेक्ट टुवर्ड्स द फैमिली, एक फेमिनाइन एक सॉफ्ट साइड भी होती है मेल्स की। उन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए हमें सूर्य नमस्कार भी जरूरी है और चंद्र नमस्कार भी जरूरी है। नाउ चंद्र नमस्कार कब करें? चंद्र नमस्कार बेसिकली, जैसे सूर्य नमस्कार को हम सन सैल्यूटेशन बोलते हैं, सूर्य देवता को हम वेलकम करने के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं, वैसे ही चंद्र नमस्कार इन द प्रेजेंस ऑफ मूनलाइट किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पर उसके अलग फिजिकल बेनिफिट्स को करने के लिए और इन सब चीजों के लिए अगर आप बात करें तो आप उसको डे टाइम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोला जाता है, माना भी जाता है, चंद्र नमस्कार ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, एक बहुत बड़ा मिथ है कि फीमेल्स के लिए ही है। आई अग्री, चंद्र नमस्कार जैसे सूर्य नमस्कार के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। सूर्य नमस्कार ए बी सी डी, अलग अलग वेरिएशंस हैं सूर्य नमस्कार के, वैसे ही चंद्र नमस्कार के भी बहुत सारे वेरिएशन हैं। जो हम लोग और आप लोग अभी तक प्रैक्टिस करते आए हैं वो वेरिएशन डी है सूर्य चंद्र नमस्कार की। वो डी वेरिएशन फीमेल्स के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है? फीमेल, एक फीमेल हमारी बहुत सारे फेजेस से जाती है, अडल्टहुड, प्री मेंसुरेशन, बिगिनिंग ऑफ द मेंसुरेशन, मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज सिंड्रोम्स। इन सब को कवर अप करने के लिए आपका जो लोअर बॉडी का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का हेल्दी होना जरूरी है, वो चंद्र नमस्कार डी में जितने भी आसन हैं वो सारे के सारे हेल्पफुल हैं आपके लोअर बॉडी को स्ट्रोंग करने के लिए। उसके अलावा आई विल से कि चंद्र नमस्कार डी इक्वली इम्पॉर्टेंट है मेल्स के लिए भी, क्योंकि कामनेस किसको नहीं चाहिए, पीस ऑफ माइंड किसको नहीं चाहिए, क्रिएटिविटी ऑफ ब्रेन किसको नहीं चाहिए, दोनों के लिए है, जेंडर बायस नहीं है ये सारी चीजें। ये अगर हम सबको चाहिए तो प्रैक्टिस भी सबको करनी पड़ेगी, ठीक है? बाकी बात है प्रैक्टिस के साथ साथ में करेंगे, एज आई ऑलवेज से, प्रैक्टिस करने से होगा, बात करने से नहीं होगा। प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करेंगे प्रैक्टिस के लिए, शरीर को खोलेंगे वज्रासन में बैठते हुए, कुछ स्ट्रोक्स कपालभाति के लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरी प्रैक्टिस हम हमेशा कपालभाति से स्टार्ट करते हैं, बॉडी क्लिंजिंग से शुरू करते हैं। हमारी बॉडी इटसेल्फ इज अ टेम्पल, और मंदिर में जाने से पहले हाथ धोते हैं, सफाई करते हैं, वैसे ही अपने शरीर की शुद्धि क्रिया करते हुए कुछ स्ट्रोक्स कपालभाति के, एक्सलेशन, एक्टिव एक्सलेशन, पैसिव इनहेलेशन। स्ट्रोक्स लगाते रहिए कंटिन्यूअसली, सारा ध्यान एक्सहेलेशन पे। जो भी हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, हार्ट पेशेंट हैं, वो लोग बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप एक्सट्रीम प्रॉब्लम है आपको तो आप अवॉइड कर सकते हैं कपालभाति, आप नॉर्मल ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, समताल श्वास प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। जो लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, वो स्पीड बढ़ाते जाएंगे, हीट जनरेट करते जाएंगे बॉडी में।
एक्सेल एंड रिलैक्स, ऑब्जर्व द हीट इन योर बॉडी, ऑब्जर्व द चेंजेस इन योर ब्रीदिंग पैटर्न। अभी आपके दोनों नासिकाएं वर्क कर रही होगी, आपके दोनों नासिकाएं ओपन हो गई होगी बाय नाउ। रिलैक्स एंड जेंटली ओपनिंग योर आईज। यहां से आएंगे मर्जरी आसन के पोजीशन में। आई होप आप मेरा मैट देख पा रहे जी जी। मर्जरी आसन के पोजीशन में इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, पुश योर टेलबोन डाउन एंड होल्ड। नेक इन हाइपर एक्सटेंशन, गर्दन जितनी ऊपर, आप जितना ऊपर टुवर्ड्स द सीलिंग देख सकते हैं उतना देखे। 5, 4, 3, 2, 1। एक्सहेल डाउन, कर्ल योर स्पाइन, चेस्ट को ऊपर पुश करते हुए होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली हिप्स को पीछे पुश करेंगे बेबी पोज में, रिलैक्स करते हुए, और यहां से दोनों घुटनों को दूर करेंगे, एक दूसरे से दूर करेंगे और चेस्ट को नीचे पुश करेंगे। रिलैक्स योर, फील द स्ट्रेच इन योर अपर बैक, हिप जॉइंट एंड स्लोली कम बैक। यहां से दोनों पैर सीधे लेकर आएंगे। नाउ जब हम चंद्र नमस्कार प्रैक्टिस करते हैं, हमारी लोअर बॉडी बहुत ज्यादा यूज होती है, हमारा हिप जॉइंट बहुत यूज होता है, उसको वार्म अप करना बहुत जरूरी है टू अवॉइड एनी इंजरीज। किसी भी इंजरी, हम वार्म अप क्यों करते हैं, हम सूक्ष्म व्यायाम क्यों करते हैं, ताकि मेन प्रैक्टिस में हमारे को इंजरीज ना हो। ठीक है, नाउ राइट घुटने को आप लेफ्ट, राइट हील को लेफ्ट घुटने पे रखेंगे, राइट हील को लेफ्ट घुटने पे। इंस्ट्रक्शंस क्लियरली सुनिएगा, तभी प्रैक्टिस ये पोजीशन आप कर पाएंगे। राइट हील को, राइट एडी को आप अपनी लेफ्ट घुटने पे रखेंगे और लेफ्ट एडी को राइट घुटने के नीचे रखेंगे। इसको बोलते हैं फायर लॉग पोजीशन। जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपके दोनों पैर वन स्ट्रेट लाइन में होंगे, पालती की पोजीशन में नहीं होंगे, सुखासन की पोजीशन में नहीं होंगे, दोनों पैर एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, फॉर्मिंग 90 डिग्रीज। यहां से 90 डिग्रीज फॉर्म हो रहे हैं। जब आप इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपका जो पैर ऊपर है, वो वाले हिप जॉइंट पे आपको स्ट्रेच फील होगा। अगर ये फील हो रहा है स्ट्रेच, तो आप एकदम करेक्ट पोजीशन में है। धीरे धीरे ऊपर वाले घुटने को नीचे प्रेस करेंगे एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे और होल्ड करेंगे, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक होल्ड कीजिए। कमर गर्दन सीधी, गर्दन सीधी, स्पाइन टेल बोन चेक कीजिए अपनी। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, फॉरवर्ड बेंड के लिए टेल बोन से बेंड करेंगे, स्पाइन का और कोई भी पार्ट आपका कर्व नहीं होगा। होल्ड करेंगे। 5,
4, 3, 2, and 1. स्लोली कम बैक, लेफ्ट लेग वापस सीधा करते हुए राइट लेग को अपने चेस्ट के पास पुल करेंगे और बेबी क्रैडल करेंगे. 5, 4, 3, 2, and 1. स्लोली यहां से पैर को सीधा करेंगे, थाइस को हक करके रखेंगे और घुटने को रोटेट करेंगे. जब हम लोअर बॉडी का यूज करते हैं कुछ पोजीशन में हमारे घुटनों पे बहुत सारा स्ट्रेच आता है, तो घुटनों का वार्म अप होना भी बहुत जरूरी है. रिवर्स एंटी क्लॉक, एंड रिलैक्स. सिमिलरली अब राइट हील को, सॉरी लेफ्ट हील को राइट घुटने पे रखेंगे. लेफ्ट हील को राइट घुटने पे रखा, राइट हील, राइट पैर को बेंड किया, दोनों के दोनों पैर एक लाइन में आ गए आपके. आपका लेफ्ट हील राइट घुटने पे है और राइट हील के ऊपर आपका लेफ्ट घुटना है, करेक्ट? चेक करेंगे. नाउ लेफ्ट घुटने को नीचे बेंड प्रेस करते जाए. फील द स्ट्रेच इन योर हिप जॉइंट, लेफ्ट हिप जॉइंट पे स्ट्रेच को महसूस करेंगे. 5, 4, 3, 2, 1. सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड होल्ड करेंगे. यहाँ पे स्ट्रेच बढ़ जाएगा, तो जितना बॉडी अलाउ करे उतना ही करिएगा. चेस्ट अप, लुक फॉरवर्ड एंड होल्ड. 5, 4, 3, 2, and 1. धीरे धीरे ऊपर आएंगे, राइट पैर को सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर पुल करेंगे और बेबी क्रैडल, छोटे बच्चे की तरह लेफ्ट टू राइट. 5, 4, 3, 2, and 1. यहां से घुटना पैर सीधा करेंगे, थाई को इंटरलॉक करके रखेंगे, रोटेट करेंगे घुटने को. 5, 4, 3, 2, and 1. एंटी क्लॉक, 1, 2, 3, 4, and 5. स्लोली कम बैक, एक बारी बटरफ्लाई भद्रकोण आसन में. घुटनों को नीचे प्रेस करते हुए एक्सहेल बेंड फॉरवर्ड, जितना आप फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं होल्ड करें. सामने देखते हुए जिनका बटरफ्लाई पोजीशन नहीं होता, जिनके पैर घुटने नीचे नहीं जाते अभी, वो लोग दोनों कोनियों को थाइस पे रखें और प्रेस करते जाएं. दोनों कोनियों को थाइस पे रखते जाएं और प्रेस करते जाएं. सामने देखेंगे, चेस्ट अप, लुक फॉरवर्ड. जब तक आपकी चेस्ट थाई फीट से टच ना हो जाए तब तक सामने देखते जाएं. जब आपके चेस्ट फीट से टच होने लगे उसके बाद गर्दन को ड्रॉप करें. 5, 4, 3, 2, and 1. स्लोली कम अप. ठीक है, सबके बॉडी, सब चीजें सही. प्रैक्टिस स्टार्ट करें आगे की. यस, अब एक्चुअल प्रैक्टिस पे चलेंगे, चंद्र नमस्कार की. मुझे सब लोग करते हुए नजर आने चाहिए प्रैक्टिस साथ में. जैसा कि आनंद जी ने आप लोगों को बताया, आप लोगों के पहले सेशन में भी आपको पता चला, सूर्य नमस्कार फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रैक्टिस होती है. जब हम मैट के फॉरवर्ड साइड पे खड़े होते हैं बैकवर्ड जाते हैं, बैकवर्ड से वापस फॉरवर्ड आते हैं. चंद्र नमस्कार
राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट प्रैक्टिस होती है हमारी, हमारा मूवमेंट जितना भी रहेगा राइट साइड लेफ्ट साइड इस तरीके से रहेगा, ठीक है। डी की पोजीशंस में स्टार्ट करेंगे मैट के राइट साइड पे खड़े होके, मैट के राइट साइड पे खड़े होंगे, समस्थिति की पोजीशन में दोनों हाथ नमस्कार में लेकर आते हुए, पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ चेस्ट के सामने, धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे। जब भी हम कोई प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए इंटेंशन सेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इंटेंशन सेट नहीं करोगे, किसी काम को आप किस पर्पस से कर रहे हो वो इंटेंशन सेट नहीं करोगे, तब तक वो काम सक्सेसफुल नहीं होता, तब तक आपको वो फीलिंग नहीं आती वो काम करने की, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। इसलिए आंखें बंद, वी विल प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ चंद्र नमस्कार। फीट टुगेदर, स्पाइन स्ट्रेट, gently dropping your eyelids down, धीरे धीरे सिर्फ अपनी श्वासों की गति को महसूस करेंगे। Feel your breath while standing in namaskar position, bringing the stillness in your body, शरीर का हलन चलन कम करते हुए, स्थिरता बनाते हुए, सिर्फ अपनी श्वासों को महसूस करेंगे, आती जाती हर एक श्वास को महसूस करते हुए। Bringing the calmness within yourself, taking the awareness in between your eyebrows, सारा का सारा ध्यान अपने दोनों eyebrows के बीच में लेकर जाएंगे, and feel the shape of moon, moon के आकार को visualize करने की कोशिश करेंगे, feel the shape of moon in between your eyebrows, एक बहुत ही प्यारा full moon का shape visualize करते हुए, observe the light of moon, the shimmering bright light of moon on your forehead, and that beautiful white light is spreading on your complete body. मून की किरणें आपके पूरे शरीर में फैल रही हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा शरीर काम और रिलैक्स होता जा रहा है, आपका मन शांत होता जा रहा है, आपके भाव प्योर होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे वापस आएंगे आंखें खोलते हुए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, लेंथन अप योर स्पाइन, लेंथन अप, जितना ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में बेंड करेंगे लैटरली, इनहेल अप, एक्सहेल टू द लेफ्ट साइड,
इनहेल अप, ब्रिंगिंग योर हैंड्स बाय द साइड, लेफ्ट पैर को बाहर निकाल के देवी पोजिशन में आएंगे, गॉडेस पोज, और होल्ड करेंगे यहाँ पे. जिन लोगों को घुटनों की दिक्कत है वो लोग पूरा नीचे स्क्वाट डाउन नहीं करेंगे, वो सिर्फ हाफ वे में रहें. आप पोजिशन को होल्ड करें, दोनों हाथों को चेस्ट को ओपन अप करें, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा. धीरे धीरे ऊपर आते हुए दोनों हाथों को ओपन अप करेंगे, बेंडिंग टू द लेफ्ट साइड, त्रिकोण आसन होल्ड करेंगे, 5, 4, 3, 2, 1. सांस छोड़ते हुए पार्श्व उत्तान आसन, लेफ्ट साइड का मूवमेंट कर रहे हैं हम. इस टाइम पे ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट कर रहे हैं अपनी. चंद्र नमस्कार का मतलब ही ईड़ा नाड़ी है, तो ईड़ा नाड़ी को पहले एक्टिवेट करते हुए राइट साइड का भी बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी कि क्यों किया जाता है बैलेंस. होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, and 1. यहां से राइट घुटने को नीचे ड्रॉप करते हुए लेफ्ट पैर आपका आगे है, होल्ड रखेंगे. अश्व संचलन की पोजीशन में है आप लोग, और धीरे धीरे यहां से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और अर्ध चंद्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे. हाफ मून पोज, अंजनी आसन भी बोलते हैं हम इसको. यहां से सांस लेते हुए आप स्कंदासन, जिन लोगों से स्कंदासन नहीं होता वो हाफ वे होल्ड कर लें, वो हाफ वे होल्ड करें. जो लोग स्कंदासन कर सकते हैं, नाउ स्कंदासन के लिए आप सपोर्ट ले सकते हैं, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे रखें और सपोर्ट ले लें. जो पैर आपका घुटना बेंड है वो वाला हाथ पीछे रखें, वो वाला हाथ पीछे रखें, सपोर्ट मिलेगा. दूसरा हाथ आगे रखें, और जो पैर आउटवर्ड है उसके टोज को अपनी तरफ पुल करेंगे तो आप हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील कर पाएंगे. स्कंदासन. यहां से मल आसन. मल आसन तो आप सबको मालूम है कितना जरूरी है, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो. जैसे कि यहां से अब हम जैसे सूर्य नमस्कार में हम रिवर्स जाते हैं, पहले पूरा बैकवर्ड जाते हैं फिर वापस फॉरवर्ड आते हैं, उसी तरीके से चंद्र नमस्कार में जब हमने राइट साइड कंप्लीट की अब हम लेफ्ट साइड भी कंप्लीट करेंगे. ये सेंटर पोजीशन है मलासन, इसके बाद हम दूसरी तरफ स्टार्ट हो जाएंगे. नाउ स्कंदासन वापस अब दूसरे पैर से. स्कंदासन के बाद अश्व संचलन और यहीं से अंजनेयास होल्ड करेंगे, 5, 4, 3, 2, and 1. सांस छोड़ते हुए पार्श्व उत्तान. ये वाला घुटना आपका सीधा, दोनों घुटने इनफैक्ट सीधे रहेंगे, और आप जितना मैक्सिमम चेस्ट को थाइस के पास लेकर जा सकते हैं उतना लेकर जाएंगे. होल्ड रखेंगे,
फाइव फोर थ्री टू वन, सांस छोड़ते हुए त्रिकोण आसन। और यहां से वापस काली आसन। काली आसन से वापस ऊपर आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए लेफ्ट पैर राइट पैर को अंदर की तरफ लेकर आएंगे। एक्सहेल बेंड टू द लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड टू द राइट साइड, इनहेल सेंटर, बैक टू नमस्कार। सब ठीक है, मूवमेंट क्लियर हुआ? अब मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी, मैं करेक्ट करती जाऊंगी साथ साथ में और आप लोग मूव करते जाएंगे, ठीक है? हैंड्स इन नमस्कार, स्टैंडिंग ऑन टू द राइट साइड ऑफ द मैट, मैट के राइट साइड पर खड़े होंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। कंचन आंटी, मधु आंटी, एटलीस्ट एक एक लैटरल बेंडिंग कीजिए, खड़े होके लैटरल बेंडिंग कीजिए, जो आप आसन कर पाते हैं, एक आसन ही कीजिए चाहे, उतना प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल एंड स्ट्रेच योर आर्म्स अप, लेंथन अप योर स्पाइन, सांस छोड़ते हुए राइट साइड लैटरली बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे फाइव फोर थ्री। जब आप राइट साइड में बेंड कर रहे हैं, कोशिश कीजिए सिर्फ राइट साइड में बेंड करें, हिप या तो फॉरवर्ड ना गिरें या बैकवर्ड ना करें, सिर्फ राइट साइड में। टू एंड वन, इनहेल अप, सांस छोड़ते हुए टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जब आप लेफ्ट साइड में बेंड कर रहे हैं, कोशिश कीजिए दोनों हाथ पूरे के पूरे स्ट्रेच हो, अपर आर्म्स आपके कान पे लगे हुए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। फाइव फोर थ्री टू एंड वन, इनहेल अप सेंटर, आप अपना लेफ्ट लेग आउटवर्ड लेकर जाएंगे, काली आसन, बेंड डाउन स्क्वाट डाउन करेंगे हिप से, दोनों घुटने बाहर की तरफ, टोज आर फेसिंग डायगनल एंड होल्ड, चेस्ट को ओपन अप कीजिए, आंखें बड़ी, होल्ड कीजिए यहाँ पे फाइव फोर, जितना हिप को मैट की तरफ ड्रॉप कर सकते हैं, पैरों के बीच में गैप बनाइए अर्चना जी, थ्री टू एंड वन, इनहेल अप, स्ट्रेच योर आर्म्स आउटवर्ड, एक्सहेल एंड बेंड टू द लेफ्ट साइड, होल्ड योर, लुक अप, त्रिकोण आसन, चेस्ट को ओपन अप करते जाएंगे, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, यहीं से साइडवर्ड बेंड होते हुए ट्राई टू हग योर लेफ्ट थाई, दोनों हाथों से लेफ्ट एंकल को पकड़ते हुए पार्श्व उत्तान आसन, होल्ड करेंगे यहाँ पे, घुटना सीधा, सुचिता जी घुटना सीधा, फाइव फोर थ्री टू एंड वन, धीरे धीरे राइट नी को ड्रॉप करेंगे अश्व संचलन की पोजीशन में आते हुए, यहां से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अंजनीय आसन,
होल्ड करेंगे। जब आप अंजनी आसन कर रहे हैं, ये सबसे मेन पोज होता है चंद्र नमस्कार का, डीप बैकवर्ड बेंड होता है ये। हिप को जितना फॉरवर्ड पुश कर सकते हैं उतना फॉरवर्ड पुश कीजिए, और दोनों हाथों को पीछे, टेक अ बैकवर्ड बेंड, होल्ड करेंगे यहाँ पे 5। फील द डीप स्ट्रेच ऑन योर लोअर बैक 4, 3, 2 एंड 1। फ्रॉम हियर स्कंदासन, आपका लेफ्ट घुटना बेंड रहेगा, राइट फीट आपका स्ट्रेच आउटवर्ड होगा, स्कंदासन होल्ड करेंगे। स्कंदासन को सपोर्ट के साथ आप होल्ड कर सकते हैं, दोनों हाथों से मैट पे सपोर्ट ले सकते हैं, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे करके सपोर्ट ले सकते हैं, वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू। और जो पैर आपका राइट पैर एक्सटेंडेड है, उसके टो को अपनी तरफ खींच के रखिए, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 एंड 1। धीरे धीरे पैरों को बेंड करते हुए मलासन, ब्रीथ योर, सांसें नॉर्मल करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपनी बॉडी को ऑपोजिट साइड की प्रैक्टिस के लिए। सब ठीक है? धीरे धीरे लेफ्ट लेग को आउटवर्ड स्ट्रेच करेंगे एंड स्टार्ट द स्कंदासन फ्रॉम योर लेफ्ट लेग, स्ट्रेचिंग योर लेफ्ट लेग आउटवर्ड 5 4 3 2 एंड 1। यहां से टर्न टुवर्ड्स द राइट साइड, अश्व संचलन, पीछे वाला पैर आपका फ्लैट है या आप टोस पे भी रख सकते हैं अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, और दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हुए अंजनेय आसन, क्रेसेंट पोज, हाफ मून पोज भी बोलते हैं, अर्धचंद्रासन भी बोलते हैं। हिप को फॉरवर्ड पुश करते जाइए, बॉडी को बैकवर्ड बेंड करते जाइए एंड होल्ड करेंगे 5। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी 4। बैलेंस कीजिए, ऊपर देखिए 3, आंखें बंद नहीं करेंगे 2 एंड 1। धीरे धीरे यहां से ऊपर उठेंगे, पार्श्व उत्तान आसन। अब ये वाला सारा पार्ट हमारा राइट साइड पे हो रहा है। पार्श्व उत्तान, घुटना सीधा, चेस्ट थाइस के पास 5। सुचिता जी घुटना सीधा 4। अशोक जी राइट, आपका दूसरा घुटना ऊपर कर लीजिए। हम इस पोजीशन में हैं 3। आगे वाला घुटना सीधा करने की कोशिश कीजिए, पीछे वाला सीधा है, आगे वाला सीधा करने की कोशिश कीजिए 2 एंड 1। यहां से टो को हुक करेंगे और दूसरा हाथ ऊपर जाएगा, त्रिकोणासन होल्ड करेंगे, चेस्ट ओपन अप करते जाएंगे 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली ब्रिंगिंग योर हैंड्स अप इन टी शेप, फीट फेसिंग डायगोनल इनटू देवी आसन, चेस्ट ओपन अप, आईज ब्राइट एंड बिग, होल्ड देयर, स्क्वाट डाउन, जितना स्क्वाट डाउन कर सकते हो 5 4। मधु कंचन आंटी चेस्ट ओपन अप कीजिए सिर्फ 3 2। जो लोग स्क्वाट डाउन नहीं कर रहे हैं वो चेस्ट ओपन अप कीजिए 2 एंड 1। स्लोली कमिंग अप, ब्रिंगिंग योर लेफ्ट लेग इन, लेफ्ट लेग को अंदर लेकर आएंगे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच, एक्सहेल बेंड टू द लेफ्ट साइड,
इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड टू द राइट साइड एंड स्लोली सेंटर बैक टू नमस्कार। लास्ट राउंड, एक और राउंड हम प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे इस राउंड पे। दोनों हाथ नमस्कार में, इनहेल एंड स्ट्रेच योर आर्म्स अप। राइट साइड ऑफ द मैट से स्टार्ट करेंगे, अपने मैट के राइट साइड पे खड़े होके स्ट्रेच योर आर्म्स अप। एक्सहेल बेंड टू द राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल बेंड टू द लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, टेकिंग योर लेफ्ट लेग आउटवर्ड, कालियासन, स्क्वाट डाउन, हिप्स को मैट की तरफ ड्रॉप्स करते जाएंगे, दोनों पैर डायगोनल एंड होल्ड, चेस्ट अप, लुक अप एंड होल्ड, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ साइडवर्ड्स, एक्सहेल बेंड टू द लेफ्ट साइड, त्रिकोणासन, लुक अप, चेस्ट को खोलते जाएंगे, ओपन अप, फाइव फोर थ्री टू वन, यहां से दोनों हाथों को ड्रॉप करेंगे, चेस्ट टू योर थाइज एंड होल्ड, पार्श्व उत्तान, फाइव फोर थ्री टू एंड वन। फ्रॉम हियर ड्रॉप योर राइट नी डाउन, अश्व संचलन, और धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, अंजनी आसन, होल्ड ऑन, जितना हिप को फॉरवर्ड पुश कर सकते हैं उतना फॉरवर्ड पुश कीजिए, होल्ड कीजिए, फाइव फोर थ्री टू वन, यहां से दोनों हाथ नीचे और स्कंदासन होल्ड करेंगे। जब आप स्कंदासन कर रहे हैं, आपका हिप मैट पे नहीं लगा हुआ है, आपका हिप मैट पे नहीं है, पर राइट पैर के काफ मसल आपका मैट पे है। इनहेल स्लोली कमिंग इनटू मल आसन विद द वाइड लेग्स, दोनों पैरों के बीच में गैप अच्छा रखें, तभी मूवमेंट में फ्लो आएगा, एक स्मूथ फ्लो मूवमेंट में तभी आएगा। एक ये भी बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन है बिटवीन सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार में मोस्टली सारे पोजिशन में हम पैर जुड़े हुए रखते हैं, हस्त उत्तान हो गया, पादहस्तासन हो गया, आपका पर्वत आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, अष्टांग हो गया, और जितने भी पोजिशन चंद्र नमस्कार में है सबके बीच में, पैरों के बीच में गैप बना हुआ रहेगा। स्ट्रेचिंग योर लेफ्ट फुट आउट, स्कंदासन विद योर लेफ्ट लेग, होल्ड करेंगे, फाइव फोर थ्री टू एंड वन। धीरे धीरे टर्न टू द राइट साइड, लेफ्ट लेग बैक, अश्व संचलन में आके दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अंजनी आसन, हिप को फॉरवर्ड पुश करके रखेंगे एंड होल्ड, फाइव फोर थ्री टू एंड वन। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप करते हुए लेफ्ट घुटने को ऊपर उठाएंगे, पार्श्व उत्तान आसन,
आगे वाला घुटना स्ट्रेट रखें। सुचिता जी चेक योर सेल्फ। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे राइट टो को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड अप, ट्विस्ट टू द राइट साइड एंड होल्ड। त्रिकोण आसन। 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को ऊपर लेकर आएंगे, टोज आर फेसिंग आउटवर्ड, काली आसन। होल्ड करेंगे हाथों को ऊपर, स्ट्रेच करते हुए राइट पैर को अंदर लेकर आएंगे। एक्सहेल बेंड टू द लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द राइट साइड, इनहेल सेंटर, बैक टू नमस्कार, रिलैक्स, काम डाउन योरसेल्फ। कैसे हैं सब? ऑल गुड? सब ठीक है? यस। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। काम डाउन योरसेल्फ। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, पाम्स आर फेसिंग अप, खुले हुए प्राप्ति मुद्रा। विश वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, फील द एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स इन योर पाम्स। Relax yourself completely. Feel the lunar energies, the calmness within yourself, the coolness within yourself, feel the beautiful feminine energies activating in your body. दोनों हाथों को रब करते हुए हथेलियों की हीट और ऊर्जा को आंखों पे महसूस करते हुए, दोनों कानों पे, पूरे शरीर पर, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। धीरे धीरे ओपन योर आईज विद दैट ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस। ओम अरहम, ओम अरहम। ना एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, मैं आज ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी कि प्रैक्टिस के बीच में, मेरा गला बहुत खराब है इस वजह से सांस फूल रहा था मेरा। हम जो पैर आगे और पीछे लेकर जाते हैं, जैसे कि पहली बार हमने राइट घुटना, हमारा लेफ्ट घुटना बेंड था और राइट लेग पीछे था, जब आपका राइट लेग पीछे होता है तो वो, जब हम चंद्र नमस्कार प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेशली, राइट लेग आपका अगर पीछे है तो वो डिनोट करता है, उसका मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे और वैसे ही जब आपका लेफ्ट लेग आपका पीछे होता है, आप अपनी बॉडी में उस टाइम पर लूनार एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं, जो आपकी एक्टिव कामनेस साइड है, आपकी फेमिनाइन एनर्जीज हैं, आपकी स्टिलनेस है, आपकी रिलैक्सेशन है बॉडी में, उन सबको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट
रीजन होता है उसी के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली योगा में हर चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है करने का। और दूसरी बात हो गई कि प्रतिक्रिया आसन हमें करना जरूरी है, जब हम राइट साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड हमें करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब आपके, वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस, कुछ जी, भी आप पूछना चाहते हैं। आज का सेशन जो हमने लिया चंद्र नमस्कार, एक एक स्टेप को कितनी आसानी से समझते हुए, हर स्टेप को समझना जरूरी होता है और उसमें थोड़ी देर होल्ड करना भी जरूरी होता है, ये चीजें आज हमने जानी। अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं, एक एक करके अपने कोई जिज्ञासा हो पहले जिज्ञासा ले लेंगे, फिर आपके सुचेता जी। जय जिनेन्द्र, मुझे ये पूछना था, जब भी हम पाद हस्तासन करते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो राइट साइड का पैर सीधा रहना चाहिए या ये रहे? पार्श्व उत्तानासन में जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले पैरों की पोजीशन देखिए, आपका एक आपके पहले स्टार्टिंग पोजीशन दोनों पैर सीधे होने चाहिए। आप जिस तरफ बेंड कर रहे हैं वो वाला पैर आउटवर्ड होगा। इमेजिन मैं लेफ्ट तरफ बेंड कर रही हूं तो मेरा लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड को देख रहा है और राइट पैर या तो सीधा देखेगा। अगर आपका सीधा अनकंफर्टेबल है तो आप थोड़ा सा क्रॉस डायगोनल कर क्रॉस कर सकते हैं, सकते हैं ना, क्रॉस, हाँ ठीक है। थोड़ा सा, पर कोशिश ये करिए आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए उसको सीधा करने का। जब आप ओके, सीधा करेंगे तो ही मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा, लेकिन इनिशियली अगर अनकंफर्टेबल है तो आप थोड़ा सा डायगोनल कर सकते हैं, घुटना बेंड नहीं होना चाहिए आगे का। आप यस, जहां तक भी बेंड कीजिए वहां तक बेंड कीजिए जहां तक आपका घुटना सीधा है। अगर आप सही है, यहां तक कर पा रहे हैं यहां तक कीजिए, कोई जरूरी नहीं है आपको पूरा जाना। धीरे धीरे आसन को साधिए, ओके, जल्दबाजी बहुत में नहीं। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक बहुत अच्छा लगा। यू, मरहम चंदू जी। जय जिनेंद्र सर, मतलब इसका ये चंद्र नमस्कार तो मैंने पहली बार किया। हालांकि मतलब जो आपने कुछ कुछ एक आसन ऐसे थे जो हम लोग घुटने बैंड करके अच्छे से नहीं बैठ सके, मलासन है या दूसरा भी है, लेकिन ये जैसे लेफ्ट साइड में राइट साइड में करना था वो काफी कुछ किया, क्योंकि आज पहली बार ही, मतलब नाम भी मैंने चंद्र नमस्कार के नाम से आज ही मतलब चालू किया था, तो बहुत एक्चुअली ये बहुत इतना ज्यादा फेमस नहीं है पर इसकी भी वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं एक गर्भ संस्कार कोच हूँ, एक फीमेल वेलनेस कोच हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर लेडीज, अगर आप मेनोपॉज में हैं, आप मेनोपॉज कर चुके हैं, उसके बाद आपका इतना ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, माइंड फ्लक्चुएशन, मूड फ्लक्चुएशन, इरिटेशन बहुत कॉमन चीज है, या फिर आप टुवर्ड्स मेनोपॉज हैं उस टाइम पे भी ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, उस टाइम पे आपका चंद्र नमस्कार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके मन को स्थिर करना, इमोशन को स्थिर करना ज्यादा जरूरी है। शरीर तो अपने आप स्थिर होता जाएगा अगर आपके मन और इमोशन आज स्थिर है। सेकेंडली, ज्यादा जो फीमेल्स, यंग फीमेल्स, चाहे आप प्रेगनेंसी में हो, आप चंद्र नमस्कार कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है, सिर्फ थर्ड ट्राइमेस्टर में हम बोलते हैं कि बहुत स्लो कीजिए क्योंकि वूम का वेट बहुत बढ़ जाता है। सेकेंडली, जो फीमेल्स मेंसुरेशन, जिनको भी आजकल पीसीओडीज, पीसीओएस, पेनफुल मेंसुरेशन, ये तो बहुत कॉमन दिक्कत है बच्चों को, जब से स्टार्टिंग में मेंसुरेशन स्टार्ट होता है तब से ही ये दिक्कतें हैं, तो उसके लिए अगर आप 14 days बिफोर योर मेंस्ट्रुएशन आप चंद्र नमस्कार शुरू कर दें, शॉर्ट शॉर्ट आप लोगों के पेन्स, आपके मूड स्विंग्स, पीएमएस साइंस, आपके पीसीओडीज, पीसीओएस ठीक होना शुरू हो जाएंगे 14 days पहले मेंस्ट्रुएशन से। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन आप चाहे करिए चाहे ना करिए, आपकी बॉडी के कंफर्ट के अकॉर्डिंग है, पर 14 दिन पहले जब आप करेंगे, आप पहले ही साइकिल में आपको डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। मधु जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है, मधु जी बोलिए। बीच में आपने कहा था आप अपने दोनों हाथ सीधे कीजिए, बाई बर्थ मैं अपना राइट हैंड सीधा नहीं कर पाती, तो जब अच्छा, मैं दोनों एक साथ करती हूँ लेफ्ट में बिल्कुल सीधा कर पाती हूँ और राइट हैंड बाई बर्थ में डिफॉर्मिटी की वजह से नहीं, पर जब मैं दोनों हाथ उठाती हूँ तो वो थोड़े से पूरे नहीं होते, कोई कोई अदरवाइज दिक्कत नहीं आंटी,
मैं जब आपको इंस्ट्रक्ट करती हूँ उस टाइम पे इंस्ट्रक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं सबको इंस्ट्रक्ट कर रही होती हूँ, हाँ लेकिन मैं साथ में एक चीज हमेशा अपने सेशन में बोलती हूँ, आप उतना ही कीजिए जितना आपकी शरीर की क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं, कोई वो मैं भी मुझे चीज, मालूम, इवन बहुत स्ट्रेच भी अच्छा आप उतना ही कीजिए। चंद्र। एक चीज मैं आपको सिर्फ इनलाइटन करूंगी इस चीज के बारे में। चंदू जी ने अभी एक क्वेश्चन पूछा कि इतना फेमस नहीं है सूर्य नमस्कार, और सेकेंडली इस वे ऑफ नमस्कार, हाँ चंद्र नमस्कार, और इस वे ऑफ चंद्र नमस्कार जो वेरिएशन हम लोग प्रैक्टिस आज हम लोगों ने क्लास में किया और आप करते हुए आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी क्या कंप्लीटली डिफरेंट है सूर्य नमस्कार से। लेकिन चंद्र नमस्कार की एक और प्रैक्टिस होती है मैंने जिसमें की हुई, जिसमें यस एग्जैक्टली सेम होती है सूर्य नमस्कार की तरह, सारे पोजीशन सेम होते हैं। सूर्य नमस्कार में आपके 12 आसन होते हैं, चंद्र नमस्कार में आपके 14 आसन हो जाते हैं। तो अश्व संचलन के बाद जो मैंने अंजनी आसन आप लोगों को करवाया था, वही सेम चीज उसमें एड ऑन करनी होती है। बेनिफिट्स इक्वल है, प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज की जाती है। और ज्यादा डिफरेंस दिखाने के लिए हम लोग ये वाली प्रैक्टिस आप लोगों को करवाते हैं, पर अगर आपको इमोशनल मेंटल बेनिफिट्स चाहिए और आप वो वाली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो आप नॉर्मल वो वाली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उससे भी इक्वल बेनिफिट्स ही मिलेंगे आपको। ओम लेकिन ओम आसन प्री रिक्विजिट है, हर आसन को आपको होल्ड जरूर करना है चंद्र नमस्कार में, जितना स्थिरता से जितना स्लोली आप करेंगे उतना ही इसके बेनिफिट्स पा पाएंगे। जी। कमलेश जी, अंशा जी मधु जी, जी तो भी नमस्कार। ठीक कमलेश जी, है बात। कमलेश जी ने एंड्राइज किया है। कमलेश जी जय जिनेंद्र जिनेंद्र जी, नागबंध मेरा ज्यादा रहता है और एक चंद्र नाड़ी शोधन होता है उसके बारे में जानना था। चंद्र नाड़ी शोधन। पहली बात तो चंद्र नाड़ी शोधन जो होता है, आप लेफ्ट से देखिए, हर किसी का करवाने का तरीका अलग होगा। हाँ इनफैक्ट इसमें भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। चंद्र नाड़ी शोधन, चंद्र अनुलोम विलोम बोलते हैं कई लोग उसको, और कई लोग उसको चंद्र भेदी प्राणायाम ठीक भी बोलते हैं। तो डिफरेंसेस होते हैं, कुछ लोग उसको इनहेल लेफ्ट से एक्सहेल राइट से करवाते हैं, कुछ लोग पूरा इनहेल भी लेफ्ट से और एक्सहेल भी लेफ्ट से करवाते हैं। जो चंद्र नाड़ी शोधन आप बोल रहे हैं, वो अगर मैं मेरे टेक्निक से बोलूं तो मैं इनहेल लेफ्ट से और एक्सहेल राइट से, कंटिन्यूअसली लेफ्ट से इनहेल राइट से एक्सहेल, उसको चंद्र नाड़ी शोधन बोलेंगे हम। और नाकबंद ज्यादा रहता है, मतलब ऐसे मौसम, उसके लिए क्या करना ज्यादा? नाक बंद ज्यादा रहता है तो आपको कपालभाति हेल्प करेगा, भस्त्रिका प्राणायाम हेल्प करेगा, प्राणायाम एक्चुअली सारे ही हेल्प करेंगे। और आपकी जो साइड नोस्ट्रिल बंद होती है, सबसे इजी तरीका है, हर एक इंसान की हर 45 मिनट्स 48 मिनट्स में एक नासिका बंद हो जाती है, ये ह्यूमन लॉ है। एक नासिका हमेशा हमारी पावरफुल होती है और एक स्लाइटली ब्लॉक रहती है, जिसकी दोनों नासिका, इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि योगा में दोनों नासिका खुलना क्यों जरूरी है, हम अपने स्पिरिचुअल लेवल पे हायर जा रहे हैं योगा में, तो आपके दोनों नासिका खुलना जरूरी है। अगर जिस टाइम पे आप चेक कीजिए, जिस नासिका से आपको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसकी ऑपोजिट नासिका बंद करके जिससे दिक्कत हो रही है उसी से इनहेल एक्सहेल करते जाएंगे तो वो खुल जाएगी नासिका आपकी। उस तरीके से आप अपनी नासिका को ओपन अप कर सकते हैं, जो ब्लॉक्ड है उसी से इनहेल एक्सहेल करते जाइए, दूसरी साइड को बंद कर दीजिए। जी धन्यवाद। ओम अरहम। समय हमारा संपन्न एक हो रहा है। नेक्स्ट बार मुझे फिर से, एक बार पूछना फिर था से ये, यही, हाँ कंचन जी बोल रही, पहले कंचन जी। जो नाड़ी बंद, जो जिधर की साइड बंद है उसी साइड से ही लेनी ब्रीथ। हाँ ना, अगर आपको इंस्टेंटली नासिका खोलनी है अपनी, प्रैक्टिस के टाइम पे कई बार ही लगता है कि एक ब्लॉक ज्यादा हो रही है, तो आप उसकी ऑपोजिट बंद कीजिए और जो बंद है ऑलरेडी ब्लॉक है उससे इनहेल एक्सहेल करते जाइए, वो खुल जाएगी। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, मुझे एक पूछना था कि कब करेंगे चंद्र नमस्कार, कब करेंगे?
सुबह सूर्य नमस्कार सुबह सुबह करते हैं, तो चंद्र नमस्कार कब आप भी करेंगे? बता दीजिए, आपने क्वेश्चन आंसर भी कर दिया, चंद्र नमस्कार कब करेंगे, चंद्रा मामा की प्रेजेंस में। जब अच्छा सूर्य अस्त हो रहा होता है और चंद सन मून राइज हो रहा होता है, वो सबसे बेस्ट अच्छा टाइम होता है चंद्र नमस्कार के लिए। अदरवाइज आप रात को भी कर सकते हैं मूनलाइट के टाइम पे, लेकिन आपका पेट खाली होना चाहिए। खाली होना चाहिए। यस यस और अगर फिजिकल बेनिफिट्स थैंक के लिए आप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया फीमेल्स के लिए बेनिफिट्स है अलग अलग है, तो आप उसको डे टाइम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेबली यू। 3 से 4 राउंड से शुरू कीजिए आप, और ले जाते 8 से 10 राउंड आप कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी हाँ, मच, एक बहुत चीज अच्छा थोड़ी लगा। क्लियर करना चाहेंगे। सूर्य नमस्कार हम जितना भी फास्ट करते हैं और ज्यादा आप बोलते हैं भी ज्यादा से ज्यादा राउंड करो, तो चंद्र हाँ नमस्कार थोड़ा स्लो करना है, उसमें राउंड इतने करने की जरूरत नहीं है क्या? ना अंक देखिए, चंद सूर्य नमस्कार तो हम बहुत सारी वेरिएशंस में करते हैं, पर चंद्र नमस्कार अगर आप फास्ट करोगे, आप फास्ट कर रहे हो तो आप अपने माइंड को शांत नहीं कर पा बिल्कुल रहे हो। आप जितना स्लो करोगे उतना ही आप चंद्र नमस्कार के बेनिफिट्स, जो एक्चुअली पर्पस बिल्कुल है यही चंद्र चीज मैं नमस्कार क्लियर का, करना उसको चाहता था, साध स्लो पाएंगे। करना है इसको। बिल्कुल स्लो करना है, होल्ड करके करना है, और लेकिन आप कंफर्टेबल पोजिशन में करिए, जितना आप अपनी बॉडी के कंफर्ट लेवल पे। आप नंबर ऑफ राउंड्स अपनी बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से बड़ा घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओम अरहम। तो अभी आज का समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि शांति हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभिलाषा जी आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भैया जय जिनेन्द्र, सूर्य नमस्कार तो कई बार किया है, आज पहली बार चंद्र नमस्कार किया, तब ऐसा लगता है कि भाई सूर्य नमस्कार में अधूरा से अपने साइड का पोर्शन और वगैरह स्ट्रेच करने के लिए वो भी बहुत जरूरी रहता है। सभी साधक साधिक का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज। एक ओम अरहम।